तो फ्रेंड्स अभी जो फोटो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे दोस्तों देख रहे हो ट्रिपल रोल कॉन्सेप्ट वाला, गाइस मैं आज आपको कुछ इस तरह का फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। तो यार इस तरह का फोटो एडिट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपका दोस्तों जो मेन फोटो है आपको कुछ इस तरह से आपको क्लिक कर लेनी होगी, और सेकेंड फोटो जो होगा दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको लेफ्ट साइड में आपको देखते हुए आपको क्लिक करना है, उसके बाद थर्ड फोटो जो है आपको आपको राइट साइड में देखते हुए आपको फोटो क्लिक कर लेनी होगी, और इन तीनों फोटो का दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको PNG निकाल लेना है। अगर दोस्तों आपको फोटो का आपको PNG निकालना नहीं आता है तो मैंने आई बटन पर कंप्लीट वीडियो देके रखा है, आप उस वीडियो को देख के दोस्तों आप अपने फोटो का PNG निकाल सकते हो। अब गाइस आपको क्या करना है, आपका जो PicsArt एप्लीकेशन है उसको बस आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। तो यार जैसे आप अपने PicsArt एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं उसका फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इस फोटो एडिटिंग में दोस्तों जितने सारे फोटो और PNG का जरूरत पड़ेगा उन सारे फोटो का दोस्तों मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप दोस्तों उन फोटो को दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो नीचे में यहाँ पे प्लस का एक मार्क दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले प्लस मार्क में आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर गाइस आपको गैलरी को ओपन करके सबसे पहले आपका जो बैकग्राउंड है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपके फ़ोन का अगर रोटेशन अगर ऑन नहीं किया हुआ है तो आप कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन के रोटेशन को आप ऑन कर लीजिएगा। ऑन कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो फ़ोन है उसको आपको कुछ इस तरह से आपको टेढ़ा कर लेना है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से टेढ़ा कर लेने के बाद आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक ड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा। तो यार अभी आपको क्या करना है, इस वाले ड्रॉ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसमें ड्रॉ पर आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर और एक ड्रॉ दिखेगा। तो यार आपको क्या करना है, इस वाले ड्रॉ में अभी आपको क्लिक कर लेना होगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इंटरफेस आया है आपका जो सारा काम है इसी के ऊपर करना होगा। तो यार सबसे पहले आपका जो मेन फोटो है उसको दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करना होगा, उसके लिए गाइस आपको जो ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर गाइस जो फोटो का ऑप्शन है इसी वाले फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा, और यहाँ से आपका जो मेन फोटो है उसको आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा मेन फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है, अब आपको यहाँ से ओके कर लेना होगा। ओके कर लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, इस वाले कोना में पकड़ के कुछ इस तरह से बढ़ा करके दोस्तों आप इस जगह पे इसको एडजस्ट कर दीजिएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जिस तरह से गाइस मैंने यहाँ पे किया है बीचों बीच आप भी कुछ इसी तरह से इसको बीचों बीच आप एडजस्ट कर दीजिएगा। एडजस्ट कर देने के बाद आपको क्या करना है, बाहर में आपको टैप करना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको जो कोना में ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर गाइस आपको जो एड लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले एड लेयर में वो क्लिक करके यहाँ पर आपको एक नया एफटी लेयर आपको सिलेक्शन कर लेना होगा, और इस वाले एफटी लेयर में फ्रेंड्स जहाँ पर आप लेफ्ट साइड की ओर देख रहे हो उस वाले फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो फोटो है उसको मैं यहाँ पर कुछ इसी तरह से सिलेक्शन कर रहा हूँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं लेफ्ट साइड में देखता हुआ जो फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है, अब आपको यहाँ से ओके करना होगा। ओके कर लेने के बाद आप क्या कीजिए, कुछ इस तरह से इस वाले कोना में पकड़िएगा, और यहाँ पर गाइस मैं आपका जो मेन फोटो है दोस्तों उससे आपका जो पीछे वाला फोटो है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पे छोटा रखना होगा, देख सकते हैं जो मेरा मेन फोटो है कितना बड़ा है और यहाँ पर मैं इससे हिसाब से थोड़ा छोटा रखा हूँ, तो आपको क्या करना है इसी तरह से आपको छोटा रखना होगा। रख लेने के बाद आप बाहर में कुछ इस तरह से आप टैप कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर एक नया लेयर आपको बना लेना है कुछ इसी तरह से, और सेम फ्रेंड्स आप जहाँ पर आप राइट साइड की ओर देख रहे हो उस वाले फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है, अब आपको सेम इसी तरह से इसको भी आपको इस साइड में आपको एडजस्ट करना होगा, और ये और गाइस ये जो फोटो का साइज है इस फोटो के बराबर में आपको होना चाहिए कुछ इस तरह, देख सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप भी कुछ इसी तरह से आप कीजिएगा। कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको जो मेन फाइल है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको नीचे लाना होगा, सॉरी दोस्तों जो आपका बाकी का जो फाइल है ना उसको फ्रेंड्स आपको नीचे लाना होगा, आपका जो मेन फाइल है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा मेन फाइल यहाँ पर ऊपर में है, तो यहाँ देख सकते हैं जो मेरा मेन फाइल यहाँ पर आगे आ चुका है, और बाकी का दोस्तों जो मेरा PNG यहाँ पर पीछे चला गया है कुछ इसी तरह से, तो आपको भी कुछ इसी तरह से आपको एडजस्ट करनी होगी। तो एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, फिर से आपको यहाँ पर एक न्यू एफटी लेयर आपको बना लेना होगा, और ऊपर में गाइस आपको जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा था उसको फ्रेंड्स आपको अभी सिलेक्शन करना होगा, उसके लिए भी गाइस सेम इसी प्रोसेस में आप फोटो पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन कीजिए, और यहाँ पर गाइस आपका जो टेक्स्ट का फोटो है उसको आपको यहाँ पर भी सिलेक्शन कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं टेक्स्ट का फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है, अब आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप सिलेक्शन कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप सिलेक्शन करेंगे कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अब आपको क्या करना है कुछ इस तरह से इसको ऊपर में आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देनी होगी कुछ इस तरह से। कर देने के बाद दोस्तों आपको बाहर में आपको यहाँ पर टैप करना होगा, अब दोस्तों आपको क्या करना है इस वाले हाथ में गाइस आपको यहाँ पर हथियार पकड़ाना होगा, उसके लिए गाइस सबसे पहले आप हथियार को आपको यहाँ पर न्यू लेयर में आपको ले लेना है कुछ इस तरह से देख सकते हैं।
जिस तरह से गाइस मैंने यहाँ पर किया है सेम टू सेम आपको कुछ इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर ले लीजिएगा। लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कुछ इस तरह से छोटा करना होगा दोस्तों इस तरह से, और आपका जो हाथ है उसके ऊपर कुछ इस तरह से आप लाइएगा और यहाँ पर पकड़ा दीजिएगा कुछ इस तरह, देख सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। आप भी कुछ इसी तरह से अपना जो हाथ है उसके ऊपर एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो इरेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले इरेजर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपका जो फोटो है उसको कुछ इस तरह से आप यहाँ पर जूम कीजिएगा कुछ इस तरह से, आपका हाथों के इधर में कुछ इस तरह से जूम कर लेने के बाद आपका जो हथियार है यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इरेज कर देना होगा, देख सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी गाइस कुछ इसी तरह से इस चीज़ को आपको यहाँ पर इरेज करना होगा। आपको गाइस ये जो चीज़ है आपको अच्छे से आपको यहाँ पर करना होगा, नहीं गाइस आपका जो फोटो है यहाँ पर अच्छा नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा हथियार है उसको मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब गाइस आपको अगर आपने फोटो का दोस्तों अगर कलर थोड़ा एडजस्ट करना होगा तो आप आ जाइएगा टूल्स में एडजस्ट में क्लिक करके दोस्तों आप यहां से अपना पसंद के हिसाब से दोस्तों आप यहां पे कुछ इस तरह से आप यहां पे एडजस्ट कर लीजिएगा, देख सकते हैं जिस तरह से गाइस मैं यहां पर कर रहा हूं। आप भी गाइस कुछ इसी तरह से इस चीज़ को आपको यहां पर एडजस्ट कर लेना होगा। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का फोटो एडिट कर सकते हो। आप गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। अब दोस्तों बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।